अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे और सैलून में भी छुट्टी है, और बस मैं आज पहले सैलून की सेटिंग वगैरह करने लगी हूँ, और फिर जो है वो हमने आज एक फंक्शन पर जाना है मेहंदी के। और मेहंदी के फंक्शन के लिए मैंने आज ये वाला अपना ड्रेस सेलेक्ट किया है, और इसका मैंने प्रेस वगैरह करके जो है वो रेडी कर लिया, क्योंकि बिजली का कोई पता नहीं होता। और ये देखिए मैंने मेहंदी जो है वो सुबह सुबह बैठ के खुद लगाई है, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन तो मेहंदी लगाए बगैर जो है वो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। और ये देखिए मेहंदी लगाने के बाद मुझे अपना डिज़ाइन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था, तो मैंने उसमें कुछ मजीद एडिशन कर दिया। बारी आ गई है मेकअप की, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अब वो मेकअप की तैयारी जो है वो शुरू है। पूरे बेड पर जो है वो मेरा कॉस्मेटिक बिखर चुका है, क्योंकि जब तक ऐसे बिखर ना जाए मुझे लगता है कि मेकअप नहीं हो सकता। जितना मर्जी कहे ना कि इस दफ़ा पहले चीज़ें सेलेक्ट करके रख लेनी है, फिर भी एंड टाइम पर ये चीज़ भी वो ऐसे हो ही जाती हैं। तैयारी कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग घर से निकलने लगे हैं। जाना तो घर के हमने नज़दीक ही है, लेकिन गाड़ी पे ही जाएंगे। ये बाजी की गाड़ी है, आज हम उस पर जा रहे हैं। तो जिनकी हमने जाना है मेहंदी के फंक्शन पे, वो टाइम के बहुत पाबंद हैं, तो इसलिए हम लोग भी जो है वो टाइम से ही जा रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं शादी वाले घर, और देखिए माशाल्लाह काफ़ी प्यारी उन्होंने लाइटिंग वगैरह की है। लड़के की मेहंदी है, और घर भी अंदर से जो है वो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा, तो हॉल वगैरह में ही इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि एसी वगैरह लगे हुए हैं इधर। और ये दूसरे रूम में जो है वो काफ़ी प्यारी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है स्टेज वगैरह। और ये देखिए बिल्कुल दूल्हे के सर पे जो है वो एसी लगा हुआ है, ताकि जो है उसको गर्मी ना लगे, और कमरे में भी काफ़ी मतलब ताकि मेहमान भी जो हैं वो छोटा सा अपना ही फैमिली फंक्शन है, ज़्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है वो डिसेंट सी डेकोरेशन की हुई है। और बैठने के लिए भी गेस्ट के इधर चेयर वगैरह लगाई हुई हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं जल्दी, तो बस अभी बाकी मेहमान वगैरह भी इतने नहीं आए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझे किसी को अपनी वीडियो में जो है वो नहीं लेना होता। और इनकी सबसे अच्छी जो इन्होंने काम किया है वो ये है कि बेशक रूम में इंतज़ाम है, लेकिन ये देखें हैवी लाइट्स का इंतज़ाम किया है, ताकि जो तस्वीरें वगैरह हैं वो और भी अच्छी आएँ। और अब शुरू होने लगा है खाना, जो कि शादियों का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और सबका वेट भी होता है, क्योंकि भूख भी लगी होती है खाने के टाइम पर। लेकिन सब वाकई कह रहे होते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं लगी, लेकिन भूख तो सबको लगी होती है। और 8 बज चुके हैं, और अब हम लोग जो है वो खाना खाने लगे हैं। ये पुलाव पकाया हुआ है इन्होंने, और शायद मटन है, और मुझे आज तक मटन और बीफ का जो डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी शादी पर जाके जो है वो गोश्त वगैरह नहीं खाती। और खाने के बाद थी मज़े की पिंक टी, और हम जैसे टी लवर्स को खाने के बाद चाय मिल जाए तो खाने का मज़ा भी दुबला हो जाता है। और अब बारी आ गई है मेहंदी की, और मेहंदी की प्लेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, बच्चे जो पहले ले के आ चुके हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी है, लेकिन ऊपर क्योंकि पंखा भी तेज़ चल रहा है तो उसकी जो मोमबत्तियाँ हैं वो बुझ गई हैं। और ये आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, ये डिफरेंट स्टाइल्स की जो प्लेट हैं, ये ढोलकी स्टाइल की हैं इनकी, ये जो बड़ी हैं ये बहने पकड़ के लाई हैं, और वो जो बाकी हैं वो कज़न्स वगैरह जो हैं वो लेकर आई हैं, और उन्होंने अब रख के दिया। लेकिन सबकी मोमबत्तियाँ जो हैं वो इसीलिए बुझ गई हैं क्योंकि तेज़ पंखा जो है वो चल रहा है, और ये काफ़ी प्यारी और डिसेंट सी लग रही है देखने में। और मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, और अब वो दे रहे हैं सबको गजरे, अपनी कज़न्स को, फ्रेंड्स को, बल्कि जितनी भी जो वो आई हुई हैं मेहंदी के फंक्शन पर लेडीज सबको। और गजरों की जो वो है एक अपनी ही अलग ब्यूटी है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी चूड़ियाँ पहनें लेकिन गजरे तो फिर गजरे ही हैं, क्योंकि इनके साथ प्यारी सी खुशबू भी आ रही होती है। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं वापसी के लिए, और रात के बज चुके हैं 11:30, और मैंने कहा आप जाते जाते, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है, तो आपको अच्छी तरह जो है वो लाइटिंग भी दिखा दूँ। बहुत अच्छी उन्होंने सारी जो है वो अपने घर पे लाइटिंग की हुई है। तो जब हम लोग आए थे तो बाहर आदमी वगैरह खड़े थे, इसलिए मैंने जो है वो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है सबके दरमियान में जो है ना वो वीडियो बनाना। तो कैसा लगा आज का आपको भी फंक्शन और मेरा व्लॉग? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।